राजस्थान में दहाड़ा कांग्रेस का बब्बर शेर पायलट, मचाया भयंकर कोहराम। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि एक बार हमारे सिर्फ 21 और दूसरी बार विधायक रह गए। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार में आई और फिर चुनाव हुए तो हम बुरी तरह से हारे? क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है, हम सरकार को वापस रिपीट नहीं ला पाते हैं? कांग्रेस की दिल्ली, असम और आंध्र प्रदेश में फिर से आई। राजस्थान में किन कारणों से सरकार रिपीट नहीं होती है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। बुधवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से माहौल बना है, लेकिन राजस्थान में तो उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि दोनों समय अशोक गहलोत ही सीएम थे। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस फिर सत्ता में आए इस बात पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। शिवसेना और अकाली दल उससे अलग हो गए। एनडीए का गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब 1.5 साल बाद होने हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर उदयपुर में कांग्रेस के नवचिंतन संकल्प शिविर की रणनीति बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने गुटबाजी खत्म कर एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की कलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में गहलोत और पायलट खेमे की कलह साफ नजर आई। दोनों नेता एक दूसरे से दूर रहे।